पूर्वी नागपुर के सूर्यनगर में दिव्यांगों के लिए अनुमति समावेशी पार्क का उद्घाटन नितिन गडकरी के साथ साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके द्वारा किया गया। इस समय बोलते हुए गडकरी ने कहा कि दिव्यांग पार्क एक शानदार अवधारणा है और जिनमें ऐसा पार्क देखकर मुझे लगा कि नागपुर में भी दिव्यांगों के लिए ऐसा पार्क बनाया जाना चाहिए। आज नागपुर सुधार परियोजना के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर दिव्यांग पार्क बनाया गया है। दिव्यांगों के चेहरे की मुस्कान दिल को छू लेने वाली है। यह ऐसी सुविधाएं हैं जो विकलांगों को खुश करती है, उनका मनोरंजन करती है और विभिन्न कौशलों को मंच देती है और नागपुर का यह पार्क एक वैश्विक आकर्षण बनने जा रहा है। इस समय विधायक कृष्णा खोपड़ी, कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर, नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष मनोज कुमार सूर्यवंशी की प्रमुख उपस्थिति रही। गडकरी ने कहा कि नागपुर के दिव्यांगों को देश की सबसे खूबसूरत और उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नागपुर में विकलांगों के लिए काम करने वाले स्कूलों और संगठनों से अपने छात्रों को दिव्यांग पार्क में लाने का आग्रह किया जाना चाहिए। भविष्य में इस पार्क के रखरखाव के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त की जानी चाहिए। आने वाले समय में दिव्यांगों के लिए विशेष स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। गडकरी ने यह भी बताया कि दिव्यांग पार्क का काम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव संकेत भोनवे, डॉक्टर पंकज मारू, आर्किटेक्ट रितेश यादव और ठेकेदार संजय कुलकर्णी के सहयोग से हुआ था। आज दिव्यांग अनुभूति इन्क्लूसिव पार्क चा लोकार्पण प्रसंगी ज्यांच्या संकल्पनेतून हा अतिशय सुंदर पार्क तयार झाला ते भारत सरकारचे मंत्री आपले लाडके नेते माननीय नितीनजी गडकरी ज्यांनी याचा पाठपुरावा केला ते पूर्व नागपूरचे लोकप्रिय आमदार कृष्णाभाऊ कोपडे, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित असलेले श्री विपिनजी इटनकर, श्री मनोजजी सूर्यवंशी, श्री संकेतजी भोंडवे, श्री पंकजजी मारू, त्याचप्रमाणे संदीपजी इटकेलवार, धर्मपालजी मेश्राम, प्रदीपजी पोहणे, बाल्याभाऊ बोरकर, मंचावरील सर्व मान्यवर अतिथी आणि उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आज ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आमच्या नागपूर शहरातल्या दिव्यांगजनांकरता एक अतिशय सुंदर असा अनुभूती इन्क्ल्युझिव्ह पार्क तयार करण्यात आलाय। हा पार्क तयार करताना विविध प्रकारची दिव्यांगत्व असलेल्या आमच्या मुलामुलींकरता ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात। हा देशातला सगळ्यात सुंदर असा दिव्यांग पार्क आहे। मला याचा अतिशय आनंद आणि अभिमान आहे। हे बनवण्यामध्ये डॉक्टर पंकज मारू जे स्वतः दिव्यांग आहेत, परंतु ते डॉक्टर आहेत परंतु आज या कामाकरता त्यांनी स्वतःला समर्पित केलेलं आहे, ते इथे उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे रितेश यादव जे या प्रकल्पाचे आर्किटेक्ट आहेत आणि या दोघांनी मिळून संकेत भोंडवे आणि सूर्यवंशी साहेबांनी चौघांनी मिळून सगळ्यांना लक्षात राहील अशी अविस्मरणीय असा पार्क तयार केलेला आहे। या पार्कचं कन्स्ट्रक्शन देण्याकरता संजय कुलकर्णी हे उपस्थित आहे, उभे राहा, यांनी अतिशय सुंदर काम केलेलं आहे। त्यांना ते प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आहे। खरं म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या मागे चक्रा मारतात, पण हे काही काम करायला तयार नव्हते, तेव्हा जबरदस्तीने मी त्यांना हे काम करायला लावलं, कारण हे गुणवत्तेचं काम व्हावं अशी माझी इच्छा होती आणि त्यांनी ते काम केलं। मी या चौघांचंही मनापासून अभिनंदन करतो, यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।